हेलो फ्रेंड्स, पीके हेल्थ फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे हिमालय पाइलेक्स ऑइनमेंट को। हिमालय पाइलेक्स ऑइनमेंट बिना डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली आयुर्वेदिक दवा है, जिसका प्रयोग मुख्यतः बवासीर के इलाज के लिए किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हिमालय पाइलेक्स ऑइनमेंट के क्या क्या यूज है, क्या क्या साइड इफेक्ट है, किस प्रकार इसको यूज करना उचित है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि कितने दिन तक इसका यूज़ करना चाहिए और क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में हमारी कोई भी वीडियो आए तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा टाइम ना लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइलेक्स क्रीम हिमालय द्वारा बनाई गई एक आयुर्वेदिक क्रीम है। इसका मार्केट प्राइस 70 रुपये रहता है, जिसमें हमें 30 ग्राम की ट्यूब मिलती है। इसको हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आसानी से खरीद सकते हैं। अगर बात करें इसके मुख्य घटक की, तो इसमें लाजुल 5%, ब्रिंगराज 3%, निर्गुंदी 3%, जिरगुल 2%, यशोदाबसम 1%, कपूर 1% इत्यादि इन्ग्रीडियंट इसमें मिलाए गए हैं। अब बात करते हैं हिमालय पाइलेक्स ऑइनमेंट का यूज़ हमें किस प्रकार करना चाहिए। याद रखें, इसका यूज़ करने से पहले हमें मल त्याग या फ्रेश हो लेना चाहिए। उसके बाद हमें गुनगुने पानी के साथ इन्फेक्टेड एरिया को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर किसी साफ कपड़े से या सूती कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। इस दवा का प्रयोग हमें डॉक्टर के द्वारा बताई गई खुराक के अनुसार ही करना चाहिए। इसको लगाने से पहले हमें अच्छे से हाथ धो लेने चाहिए या फिर ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। एक मटर के दाने जितना ऑइंटमेंट हमें उंगली पर रखकर इन्फेक्टेड एरिया पर लगाना चाहिए। इसके यूज करने के बाद हमें अच्छे से हाथ धो लेने चाहिए। इसके यूज से हमें सूजन या दर्द में आराम मिलता है और मुहासे और रक्त वाहिनी इससे संकुचित हो जाती है, जिसके कारण रक्त सत्राव रुक जाता है और हमें दर्द से राहत मिलती है। इसका यूज हमें दिन में 2 बार या डॉक्टर के बताए गए समय अनुसार ही करना चाहिए। अगर आप बताई गई खुराक से ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसका यूज हमें टाइम टू टाइम करना चाहिए, नहीं तो संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। अगर बात करें इसका यूज़ करते समय हमें क्या क्या खाना चाहिए या क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके यूज़ करते समय हमें ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। इसका यूज़ करते समय हमें तली हुई चीज़ का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, जैसे कि अंडा, मीट इत्यादि आप खाते हैं, तो इसका प्रयोग करने से पहले हमें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। हिमालय पाइलेक्स ऑइलमेंट का यूज गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी इसका प्रयोग सेफ माना जाता है। छोटे बच्चों में इसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। हिमालय पाइलेक्स ऑइलमेंट की कोई आदत या लत नहीं लगती है। अगर आप कोई भी पाइल्स की दवाई यूज कर रहे हैं तो याद रखें कि कभी भी कब्ज जैसी समस्या नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए हमें फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए या फिर डॉक्टर द्वारा बताई गई मेडिसिन लेनी चाहिए। जब तक आपको कब्ज जैसी समस्या रहेगी, तब तक आपको पाइल्स जैसी समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि हिमालय पाइलेक्स ऑइंटमेंट का किस प्रकार यूज करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हिमालय पाइलेक्स ऑइनमेंट के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।